हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवर टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो है विश्वविद्यालय में आई सीधी भर्ती और बड़ी भर्ती। जी हाँ, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है ये सभी राज्यों के लोगों के लिए है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया की कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1000 पदों पर बड़ी भर्ती है। जी हाँ, 1000 पदों पर ऑल ओवर इंडिया के लिए बड़ी भर्ती है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 12वीं और ग्रेजुएट ये सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 42 साल एज लिमिट दी गई है, जो कि काफी अच्छी एज लिमिट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट है सारे क्लियर हो जाए। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, आप हमारी इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। यहां पर हमने आपको इस भर्ती की जानकारी भी दी है, साथ ही साथ जो भी अदर्स वैकेंसीज निकाली जा रही है ऑल ओवर इंडिया की, वो उन सभी की जानकारी आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है www.tipsviralbuzz.xyz। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पूरी भर्तियों की। तो चलिए सीधा चलते हैं इस भर्ती की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भर्ती की ओर आ चुके हैं। यहां पर ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में निकाली जा रही है, ठीक है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो वेरियस कैटेगरीज में वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आपने जैसा कि देखा, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई है अलग अलग पदों पर, ठीक है। और यहाँ पर जो आवेदन है सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 976 ऑलमोस्ट ये 1000 पदों पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं, मेल और फीमेल, आप देख सकते हैं यहां पर मेल की बात करते हैं तो 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है और फीमेल्स के लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वहीं बात करते हैं हरियाणा के रहने वाले लोगों की रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहां पर 150 रुपए आवेदन शुल्क है मेन के लिए, और वुमेन्स के लिए 75 रुपीज आवेदन शुल्क है। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा के हैं, मान लीजिए अगर आप राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के हैं, तो आप सभी के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए 600 रुपये हैं लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए है 300 रुपये, ठीक है। और यहां पर ईएसएम और पीएच कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। पेमेंट आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा सभी कैटेगरी के लोगों को, ठीक है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो आयु सीमा की जो गणना है 30/4/2018 के अनुसार की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 42 वर्ष है, ठीक है। और आयु में छूट भी है, जो कि इस पर गवर्नमेंट सोर्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो है 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, 15 मई इसकी लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको आवेदन का, नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का, इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। यहां पर सभी आपको जानकारी मिल जाएगी वेरियस कैटेगरीज में जो वैकेंसी निकाली गई है, पर्टिकुलर आपको वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए कितनी सैलरी दी जा रही है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इन सभी वैकेंसीज के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कितने सीपीसी के अकॉर्डिंग यहां पर सैलरी मिल रही है, ठीक है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो नोटिफिकेशन को प्लीज ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि आपके लिए आपका समय और पैसा है काफी वैल्यूएबल, ठीक है। तो इसकी आपको वैल्यू रखनी चाहिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।